आज से कई जिलों के दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। शाम 4:30 बजे रोहतक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज रोहतक में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे मुख्यमंत्री। कल सुबह 7 बजे एमडीयू के राहगीरी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। कल सुबह 10 बजे रोहतक से फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, तो फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी पहुंचेंगे, तो फरीदाबाद से कल सोनीपत दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। सोनीपत में सिसाना गौशाला के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो सोनीपत में सिसाना गौशाला के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और कल सोनीपत में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरे पर रहने वाले हैं, आज से रोहतक भी पहुंचेंगे, फरीदाबाद भी पहुंचेंगे। हर्षवर्धन शर्मा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हर्षवर्धन, जानकारी आपसे चाहेंगे सीएम के शेड्यूल के बारे में और कार्यक्रम को लेकर तैयारी कितनी है। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आज जो है रोहतक में पहुंचेंगे, लगभग शाम को 5 बजे के करीब पहुंचेंगे और 2 दिन तक लगातार जो है अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो जिस तरीके से जिसका आज का प्रोग्राम है, आज जो है शाम को 5 बजे लघु सचिवालय में जनसंवाद में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री 6 बजे जो राजकीय महाविद्यालय है वहां पर जाने के बाद जो है लोगों से रूबरू होंगे और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री जो है 6 बजे के करीब तकरीबन स्थानीय पंडित श्री राम जो रंगशाला है, अगले 1 अक्टूबर की बात की जाए तो उस दिन सुबह सुबह जो राहगीरी का प्रोग्राम होगा उसके अंदर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, और कल भी कार्यक्रमों में पहुंचने वाले हैं, तो रोहतक से कब रवाना होंगे आगे के कार्यक्रम के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमडीयू में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, तो वहां पर तैयारी कितनी है सीएम के दौरे को देखते हुए। देखिए एमडीयू की मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का जो कार्यक्रम है उसके अंदर जो सेमिनार हो रहा है उसके अंदर मुख्यमंत्री जो है मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है देर शाम को मुख्यमंत्री जो है रोहतक से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, राहगीरी कार्यक्रम की दोबारा शुरुआत हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री सिरसा पहुंचे थे, पंचकुला पहुंचे थे, राहगीरी कार्यक्रम करते हुए नजर आए थे। विभिन्न तरह की एक्टिविटीज दौरान होती है, तो लोगों में कितना उत्साह इसे देखते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा होते हैं इस कार्यक्रम में। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जनसंवाद का कार्यक्रम है, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो है लोगों को एक मौका मिल जाता है कि वो मुख्यमंत्री के समक्ष जो है अपनी बात रख सके और मुख्यमंत्री की कोशिश यही रहती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है इस मामले को भी जो है साथ के साथ उनकी शिकायतों का वो निवारण भी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीछे 2-3 जगह जैसे उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किया तो काफी जो लोग हैं उनका जो समस्याएं थी उनका मौके पर ही समाधान किया गया है। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आज जनसंवाद और कल राहगीरी कार्यक्रम होना है। राहगीरी कार्यक्रम में विभिन्न तरह की एक्टिविटी की जाती है। आपको बता दें पिछले दिनों सीएम पहुंचे थे तो लोगों के बीच मौजूद थे और कई तरह की एक्टिविटी करते हुए भी सीएम नजर आए थे, तो इस कार्यक्रम पर नजर बनी रहेगी। आज रोहतक पहुंचेंगे और जनसंवाद करेंगे, कल राहगीरी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ते